हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास सिक्स सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्या, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो दोस्तों ये चैप्टर 8 का नाम है। दोस्तों ऑलरेडी हम टोटल 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो चैनल में जाकर जरूर देखिए। तो मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड टाउन्स लेड टू एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे कैसे जो है टाउन्स बसना शुरू हो गए थे और किंगडम्स जिन्हें जनपद कहा जाता है वो बसना शुरू हुए। तो दोस्तों जब किंगडम्स और बहुत सारे टाउन्स बस गए तो हुआ क्या, एग्रीकल्चर का इंक्रीमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। इसके अलावा जो व्यापार है, ट्रेड है, उसकी भी बहुत ज्यादा बढ़त हुई। ठीक है, क्योंकि भाई व्यापार के जरिए ही जो है टाउन्स और किंगडम्स चलेंगे, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स। और दोस्तों जैसे ही जैसे एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़े और किंगडम और टाउन्स बढ़े तो इसके अलावा हुआ क्या, और भी नए नए जो शहर है वो बसना दोस्तों शुरू हो गए। तो पहली चीज समझते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर में कैसे शुरुआत हुआ, एग्रीकल्चर में कैसे सुधार हुआ दोस्तों, शुरुआत नहीं सुधार। तो दोस्तों कैसे रेपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ दोस्तों। ठीक है, The discovery of iron tools led to rapid rise in the agriculture production. दोस्तों मैंने बताया था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, लेटर वैदिक काल के टाइम पे हुआ क्या था, आयरन की खोज हुई थी। क्या, किसकी खोज हुई थी, तो आयरन की खोज हुई तो लोगों ने नए नए टूल्स बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हुआ क्या, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ा। आप देख सकते हैं यह है आयरन के टूल, उस टाइम पे बनाए जाते थे, ऐसे देख सकते हैं। इनकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई दोस्तों। ठीक है, इट मेड इजियर टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। तो दोस्तों जब टूल्स आ गए तो फॉरेस्ट को, जंगलों को सफाया करना आसान हो गया। इसकी वजह से हुआ क्या, जंगलों का सफाया करा तो और ज्यादा जो जमीन है एग्रीकल्चर करने लायक बन गई दोस्तों। ठीक है, द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर मेड इट पॉसिबल टू डिग डीप इन दोज एरियाज वेयर द सोइल वॉज फर्टाइल। यहाँ पे सॉइल होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब आयरन के प्लग शेयर बन गए, आपको पता ना प्लग शेयर जोतते हैं, एक तरीके से हिंदी में हल कहते हैं, तब आयरन के जब हल बन गए दोस्तों तो हुआ क्या, मिट्टी को जोतना आसान हो गया दोस्तों। जहां पे भी जमीन फर्टाइल होती थी उसको जोत कर और वहां पे खेती करना आसान हो गया दोस्तों। इट लेड टू सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया एंड देन इन साउथ इंडिया दोस्तों। इसीलिए जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ सबसे पहले कहां हुई, पहले हुई नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, और उसके बाद साउथ इंडिया में भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, एग्रीकल्चर का उत्पादन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, नए नए जो टूल्स और सिस्टम थे, ट्रांसप्लांटेशन के भी इंक्रीज हुए, नए नए, अब देखे ना खेती करने के लिए पौधों को उगाया जाता है तो जो नए नए सिस्टम थे वो भी उन लोगों ने सीख लिया कि धान को कैसे उगाते हैं, गेहूं को कैसे उगाते हैं, गन्ने को कैसे उगाते हैं दोस्तों। ठीक है, इन ट्रांसप्लांटेशन के तरीकों की वजह से हुआ क्या, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई और इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज। अब इरिगेशन भी लोगों को अच्छा से करना आ गया कि भाई सिंचाई कैसे करनी है, कैनाल्स कैसे बनाने, नाले कैसे बनाने जिसके जरिए खेतों में पानी लाया जा सके। तो ये सब भी जो है इंसान बहुत ज्यादा सीख गए थे, जिसकी वजह से हुआ क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसी समय दोस्तों मैंने बता दिया ना, कैनाल्स, वेल्स जो हो गए, वेल्स कुएं, टैंक्स हो गए, आर्टिफिशियल लेक्स हो गए, ये भी बहुत ज्यादा बनाए गए, किस लिए, इरिगेशन वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में इन सब की जरूरत है, इन्हीं के जरिए तो पानी दिया जाएगा खेतों में। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला कि एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कैसे इंक्रीमेंट हुआ, कैसे उसमें बढ़ोतरी हुई दोस्तों। अब समझते हैं कि भाई क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैन में कैसे ग्रोथ हुआ है ना। क्राफ्ट्स आपको पता है ना, हाथ से जो चीजें बनाते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, कपड़े बनाना और बहुत सारे क्या कहते हैं सामान रखने के लिए बर्तन टाइप के बनाना, और उस टाइम पे तो लकड़ी के बनाते थे दोस्तों, आपने देखे भी होंगे। तो इन सब में कैसे ग्रोथ हुई दोस्तों। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स फ्लरिश्ड इन एवरी विलेज। दोस्तों जितने भी उस टाइम पे गांव बसे थे उनमें ज्यादातर जो लोग है आर्ट और क्राफ्ट का ही काम करते थे। इसीलिए दोस्तों हर एक विलेज में वीवर्स होते थे, डायर्स होते थे जो उनको डाई करते थे, पॉटर्स होते थे, कुम्हार होते थे, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार होते थे जो लोहे का काम करते थे, इसके अलावा बास्केट वीवर होते थे गांव में, गोल्डस्मिथ लोहार होते थे, कारपेंटर्स होते थे, और अदर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन का भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सिल्क वीविंग के भी लोग काम करने लगे, डाइंग का काम करने लगे, कॉइन माइनिंग का काम शुरू हो गया दोस्तों। कॉइन माइनिंग
आइवरी कार्विंग, आइवरी कार्विंग मतलब होता है हाथी के दांतों की नक्काशी करते हैं ना, उसमें आइवरी कार्विंग कहते हैं उन्हें। इसके अलावा क्लोथ बनाने लगे लोग, बीड मेकिंग करने लगे, ये सारे के सारे जो ऑक्यूपेशन है इस समय पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया दोस्तों। ठीक है, गांव और शहरों में जब गांव बसना और शहर बसना शुरू हुए तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सारे काम करने लग गए गांव में। ठीक है, गांव और शहरों में, क्यों भाई, शहरों की तरफ इन सारी चीजों की जरूरत होती थी। किसकी, पॉटर्स की जरूरत होती थी, ब्लैकस्मिथ की जरूरत होती थी, जो लोहे का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे कामों की मतलब क्यों बढ़े, क्योंकि टाउन्स और जो विलेजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए दोस्तों। इसके अलावा क्लोथ का जो मैन्युफैक्चर था वो भी एक इंपॉर्टेंट जो है वर्क उस टाइम पे बन गया था। क्लोथ, अब भाई कपड़े पहनने तो के लिए तो चाहिए चाहिए ना, तो क्लोथ का भी जो एक काम था वो भी बहुत फेमस हो गया इस टाइम पे। देयर वर फेमस सेंटर्स फॉर क्लोथ, देखिए ना कुछ बहुत ज्यादा फेमस सेंटर थे जहां पे क्लोथ बनते थे, जैसे कि वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, नॉर्थ में, आज के उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोथ बनते थे। इसके अलावा अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में तमिलनाडु में आज के टाइम पे मदुरई शहर है, यहाँ पे भी कपड़ों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था दोस्तों। बोथ मैन और वुमेन दोनों ही ये काम करते थे इन सेंटर्स में। ये जो कपड़े के सेंटर थे ना वाराणसी और मदुरई, यहाँ पे आदमी भी काम करते थे और औरतें भी काम करती थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये है स्किल्ड क्या, स्कल्पचर फ्रॉम सांची। ये सांची से स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां टाइप की मिली हैं, दीवारों पे बनी हुई हैं। दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची इन अ साइट विद सुपास इन मध्य प्रदेश। ये देखिए, इसमें बहुत सारी मूर्ति वगैरह बनी है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं राजा। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे काम जो है इस टाइम पे लोग सीखने लग गए थे। इसके अलावा दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस शो एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी कॉल्ड द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के जरिए हमें पता चला है इस टाइम पे लोग जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड जो पॉटरी है वो भी बनाते थे। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर बना रखी है दोस्तों। ऐसे डिजाइन तो आज के कुम्हार भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे लोग ऐसे बनाते थे। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड यूजली ब्लैक इन कलर। दोस्तों, इसका नाम जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। क्यों है दोस्तों इसका नाम, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती थी, नॉर्थ पार्ट में पाई जाती थी। इसके अलावा इसका जो कलर है ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, आप देख सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, इसका नाम ये है। इसके अलावा दोस्तों, मोस्ट क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड श्रेणीज। तो जितने भी दोस्तों क्राफ्ट्समैन होते थे जो ऐसी चीजों का काम करते थे, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, एक संस्था बना रखी थी, एक ग्रुप बना रखा था, जिसे ये लोग क्या बुलाते थे, श्रेणीज बुलाते थे। समझ में आया, श्रेणीज क्या है, ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, क्राफ्ट्समैन की ऑर्गेनाइजेशन को श्रेणीज कहा जाता है। यही जो श्रेणीज होती थी यही प्रोवाइड करवाती थी, जो भी क्राफ्ट्समैन होते थे ना इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी क्राफ्ट्समैन आते थे उन्हीं को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती थी, उन्हीं को रॉ मटेरियल, जो भी काम करना है ना, सपोज मान लो ये बनाना है, पॉटरी बनानी है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे। इसके अलावा दोस्तों, फिनिश्ड गुड्स भी प्रोवाइड करवाते थे। श्रेणीज बैंकों का भी काम करते थे दोस्तों, श्रेणीज क्या काम करते थे, बैंकों का भी काम करते थे, जहां पे ये अमीर लोगों से क्या करते थे, पैसा डिपॉजिट करवाते थे और गरीब लोगों को जो है इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते थे। मतलब गरीब इंडस्ट्री जो भी इनके पास आता था उनको इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते थे। तो समझ में आया दोस्तों श्रेणीज का काम। अब समझते हैं कि कैसे टाउन्स और शहरों की वजह से, टाउन्स या विलेजेस की वजह से कैसे ट्रेड में भी बढ़ोतरी हुई। किसमें बढ़ोतरी हुई दोस्तों, ट्रेड में। ट्रेड मतलब हिंदी में व्यापार कहते हैं, आपको पता है ना। द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन। अब हुआ क्या भाई, जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन शुरू हो गया, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन शुरू हो गया और क्राफ्ट में प्रोडक्शन जब शुरू हो गया, तो इनमें सरप्लस प्रोडक्शन आने लगा। पहले तो भाई एग्रीकल्चर उतना ही करते थे जितना खाना पीना होता था, लेकिन अब हथियार आ गए लोहे वोहे के, तो होने क्या लगा, एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और क्राफ्ट में भी उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो भी ये उत्पादन बढ़ता था वो कहाँ जाता था, शहरों की तरफ जाएगा क्या ना, क्योंकि भाई शहर के लोग तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको तो भाई ये एग्रीकल्चर और क्राफ्ट वाली चीजें चाहिए होती है। दिस सरप्लस इन विलेजेस वॉज सप्लाइड टू टाउन्स, जो मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इन्हीं सब की वजह से हुआ क्या, जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ और क्राफ्ट में ग्रोथ हुआ, तो ट्रेड में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा बढ़ोतरी आई दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, खेती में उपजाऊ खेती का उपजाऊपन बढ़ेगा, इसके अलावा क्राफ्ट में
बढ़ेगा उत्पादन तो होगा क्या, व्यापार भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जो भी मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे या ट्रेडर्स होते थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इंटरनल ट्रेड में भी, एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल मतलब भैया भारत के अंदर ही राज्यों में ट्रेड करना, एक्सटर्नल मतलब होता है कि बाहर जाना, देश से, भारत के देश से बाहर जाओ और दूसरे देशों से भी क्या करो, व्यापार करो। ठीक है दोस्तों, ऑल ट्रेडिंग कम्युनिटीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, और जितनी भी ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती थी जो व्यापार करते थे, इन लोगों ने अपने क्या बना रखे थे, गिल्ड्स बना रखे थे। क्या बना रखे थे दोस्तों, गिल्ड्स। ठीक है, और गिल्ड्स क्या होता है मैंने बता दिया, गिल्ड्स होती है वर द ट्रेड एसोसिएशन, जो भी ट्रेड की एसोसिएशन होती थी उन्हीं को गिल्ड बुलाया जाता था। तो ट्रेड एसोसिएशन आज के टाइम पे भी बहुत सारी बनी हुई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब मनी भी आ गई थी। क्या आ गई थी दोस्तों, मनी आ गई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या भाई, मार्केट क्या, द यूज ऑफ मनी गेव राइज टू पंच मार्केट कॉइन्स। तो दोस्तों मनी ने क्या हुआ, पंच मार्केट कॉइन्स का भी बढ़ावा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इस टाइम पे जब कॉइन्स का बनना स्टार्ट हो गया, तो व्यापार में क्या हो गई, बहुत ज्यादा आसानी हो गई। भाई पैसा होगा, कुछ करेंसी होगी, तो व्यापार करना आसान हो जाता है ना। पहले क्या करते थे लोग, अगर आपने गेहूं दिया किसी को तो वो आपको रिटर्न में चावल दे देता था, आपने जूते दिए तो वो आपको कपड़ा दे देता था। तो कहने का मतलब है वैल्यू फिक्स नहीं थी कि कपड़े की क्या वैल्यू है, कॉइन्स की क्या वैल्यू है। लेकिन जब पैसा बनना शुरू हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये सिक्का है, तो व्यापार करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया दोस्तों। तो जब लोग व्यापार करने लगे इन्हीं शहरों और गांवों में, तो हुआ क्या, टैक्स कलेक्ट करना भी शुरू हो गया इन्हीं ट्रेड एक्ट से। जो भी ट्रेड एक्ट होता था, व्यापार वाला काम होता था, उनसे टैक्स कलेक्ट करना भी शुरू हो गया। किसके द्वारा, राजाओं द्वारा टैक्स कलेक्ट करना भी शुरू हो गया दोस्तों इन्हीं व्यापारियों से। आप समझते हैं दोस्तों, जब नए टाउन और शहर बसे, नए टाउन या विलेजेस वगैरह बसे, जो भी नए नए किंगडम बसे, उनमें लोग रहते कैसे थे, उनका जीवन कैसा था दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है कि लोगों की लाइफ कैसी थी, लेकिन जो भी हमें पता चलता है वो स्टोरीज या बुक्स से पता चलता है लोगों का जीवन। याद रखिए, कुछ स्टोरीज हमारे पास लिखी हुई हैं और कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, जिससे हमें लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसे जीते थे, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, और बहुत सारे जो सेलर्स होते थे, सेलर्स मतलब मछुआरे टाइप के होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे, उनके भी दोस्तों बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं। जो भी ट्रेवलर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी थी, तो उन्हीं बुक्स की वजह से हमें लोगों की डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह बनी है, बहुत सारे घर वगैरह बने हैं, उनसे भी पता चलता है कि लोगों का जीवन कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा है कि उन्हें बहुत सारे क्या मिले, रो ऑफ पोर्ट्स मिले हैं, जिन्हें सिरेमिक रिंग्स भी कहा जाता है। ये अरेंज है वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये एक तरीके का रिंग है और एक दूसरे ऊपर लगे हुए हैं। ये दोस्तों हमें दिल्ली में मिला है, इसे रिंग वेल कहते हैं, रिंग वेल मतलब कुआं है ना, रिंग वाला कुआं। तो ये हमें कहाँ मिला है, दिल्ली में मिला है। दीज नोन एज रिंग वेल्स, इन्हीं को रिंग वेल्स कहा जाता है। हार्डली सम रिमेन्स ऑफ प्लेसेस, मार्केट्स और होम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल हैव बीन सेफ। तो दोस्तों लोगों के जो घर वगैरह है या मार्केट है या घर वगैरह, वो तो भाई बच्चे नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हो गए, वो सारे टूट फूट गए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोग उस टाइम पे ऐसे पानी भरते होंगे या इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते होंगे, मेनली पानी भरने के लिए ही करते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये रिंग वेल है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे हमें उस समय के लोगों की लाइफ पता चलती है कि वो लोग कैसे जीवन जीते होंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर मैं बता चुका हूँ, स्टोरीज और बुक्स मिली हैं, उन्हीं से लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। अब समझते हैं दोस्तों, जब ये टाउन्स और डेवलपमेंट हुए, तो ये एक तरीके का सेकंड अर्बनाइजेशन है। पहली अर्बनाइजेशन कौन सी थी, हम बोलेंगे पहली शहरीकरण कौन सा था, हड़प्पा वाला मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। हड़प्पा मैंने बताया था, जो भारत का एक तरीके से कह सकते हैं पहला जो है अर्बनाइजेशन हुआ था। तो दोस्तों अब जो टाउन और सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो गए, कौन से, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, कौन से, लेटर वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल हिंदी में कहते हैं, तब सेकंड अर्बनाइजेशन जो है इसी में टाउन्स और शहर बसना शुरू हुए। मैं बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है यहाँ पे बढ़ा, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स भी बढ़ा, ये भी मैं बता चुका हूँ। इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू द एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज। तो दोस्तों जैसे ही जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ और क्राफ्ट्स में बढ़ोतरी हुई, तो हुआ क्या, बहुत सारे नए शहर बसना शुरू हुए। दोस्तों शहर बसते ही क्यों है, शहर बसते हैं जब व्यापार बढ़ता है, व्यापार होने लगता है
तो शहर बढ़ता बसता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है दिल्ली सॉरी मुंबई जो है क्या है बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड टाउन है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बॉलीवुड की मूवी बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों बेंगलुरु है, बेंगलुरु है उसे क्या कहा जाता है, डिजिटल सिटी साइबर सिटी कहा जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है साइबर सिटी अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ ये, ठीक है, या आईटी सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को भी दोस्तों साइबर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे साइबर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा, आईटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो भाई जैसा जैसा व्यापार होगा उसी के हिसाब से नए नए शहर और टाउन्स बसना शुरू हो जाएंगे, और यही हुआ, ठीक है। इट लेड टू ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड इज कॉल्ड द एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बसे, इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे बहुत सारे अर्बनाइजेशन बढ़े, इसीलिए इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज भी कहा जाता है, दूसरा शहरीकरण वाला फेज। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर बसे इस टाइम पे, उनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे वैशाली बसा, उज्जैनी, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, अरिकमेडु, बोध गया, राजगृह, कावेरीपट्टनम, ये सारे के सारे जो शहर हैं बसना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं मथुरा, ठीक है, ये है पटियाला, गिरार, ये सारे के सारे जो है शहर बसना शुरू हो गए थे दोस्तों। ये पाटलिपुत्र, आई होप आप समझ में आ रहे होगा, अमरावती दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहर बसना शुरू हो गए, ये तक्षशिला। दोस्तों ये इतने सारे शहर बसे थे, इनके फंक्शंस क्या होते थे, मतलब ये सारे शहर बस गए इनका काम क्या होता था? मैं काम वैसे बता चुका हूँ, क्योंकि शहर के हिसाब से ही जैसा शहर होगा उसी के हिसाब से वहां पे व्यापार होता होगा। जैसे मैंने बता दिया है बेंगलोर का एग्जाम्पल या मुंबई का एग्जाम्पल, मुंबई में बहुत ज्यादा फिल्में बनती है, तो मुंबई में क्या किस चीज का ज्यादा काम मिलेगा, बॉलीवुड मूवीज का बनने का काम मिलेगा। तो दोस्तों ईच टाउन वॉज फेमस फॉर सम पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, हर एक जो टाउन था, हर एक जो शहर था, उसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जरूर फेमस होती थी, ठीक है। सम टाउन्स वर रिलीजियस, कुछ टाउन जो होते थे धर्म की वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे, क्योंकि वहां पे धार्मिक बहुत ज्यादा चीजें थी, या कुछ टाउन जो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से फेमस होते थे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सारा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सारे के सारे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब यहीं बसते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव दिल्ली, दिल्ली इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। कुछ जो टाउन थे दोस्तों जैसे कि सोपारा, ये दोस्तों ट्रेडिंग टाउन्स कहलाते थे, क्या कहलाते थे, ट्रेडिंग टाउन्स। सोपारा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोपारा ये रहा आज के महाराष्ट्र में है, तो सोपारा जो टाउन था वो क्या ट्रेडिंग के लिए फेमस था। टू सच फेमस टाउन्स वर मथुरा एंड अरिकमेडु, दोस्तों ऐसे ही जो ट्रेडिंग के लिए दो फेमस टाउन थे उनका नाम था एक मथुरा और एक अरिकमेडु। आप इनकी तस्वीर देख लोकेशन देख सकते हैं, मथुरा कहाँ है दोस्तों, आप इस पे देख सकते हैं, ये रहा मथुरा, ठीक है, मथुरा दिखा आपको, ये मथुरा है, और अरिकमेडु इसकी भी तस्वीर देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, ये आज के टाइम पे कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है तमिलनाडु पे। तो ये जो है फेमस टाउन थे, मथुरा जो था सेकेंड कैपिटल था किसके, कुषाण, कुषाण एक वंश था दोस्तों जो उस टाइम पे भारत में रूल कर रहा था, कुषाण वंश, तो इनकी जो सेकेंड कैपिटल थी वो मथुरा ही थी। और सेंटर ऑफ टेम्पल्स, मथुरा जो है बहुत सारा सेंटर है, किस केंद्र था किस चीज का, टेम्पल्स का, क्योंकि तो आपको पता है मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे क्या है टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और जैन श्राइन्स भी यहाँ पे पाई जाती है, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और जैन श्राइन्स भी यहाँ पे पाई जाती है। एंड इट वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्णा का भी यहाँ पे पूजा होती थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्पल्स पाए जाते हैं। द मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट ग्रो हियर, इसके अलावा दोस्तों मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी यहाँ पे ग्रो हुआ। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में होता क्या दोस्तों, बहुत सारी पेंटिंग्स और जो स्ट्रक्चर है मंदिर वगैरह बनाने के तरीके थे वो यहाँ पे बनाए जाते थे, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। याद रखिए दोस्तों मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, टेम्पल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं या मूर्ति बनाई गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए, इसी को कहा जाता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा शहर है अरिकमेडु, ये क्यों फेमस था दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोस्टल सेंटर है भाई, कोस्ट पे लोकेटेड है, आप देख सकते हैं कहाँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पानी है ना, हिंद महासागर है हमारा, यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन है यहाँ पे, तो ये जो था इंपॉर्टेंट कोस्टल सेंटर था, और एक पोर्ट और सेंटर किस चीज के लिए था दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, यहीं से दोस्तों बहुत सारा एक्सपोर्ट होता था इंपोर्ट होता था, मतलब आयात और निर्यात के लिए अरिकमेडु जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था। ट्रेडर्स फ्रॉम रोम केम हियर, दोस्तों जो रोम है आज के टाइम पे इटली में, वहां से जो व्यापारी होते थे वो यहीं पर आके उतरते थे और यहीं से अपना सामान लादकर लेके जाते थे, कहां से, अरिकमेडु से। रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट
अरिका मेडू। ठीक है दोस्तों, आप लोकेशन देख सकते हैं, ये सारे के सारे शहर, गिरनार ये रहा, उज्जैन ये रहा दोस्तों, गुजारा सांची यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, तक्षशिला यहाँ पे सबसे इधर मिलेगा आज के टाइम पे पाकिस्तान में, पाटलिपुत्र ये रहा दोस्तों कहाँ पे आज के टाइम पे पटना यानी बिहार में, ठीक है, लुम्बिनी यहाँ पे जन्म हुआ था किसका, गौतम बुद्ध जी का। अब देखते हैं लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर द चोलास एंड पांड्यास। तो दोस्तों तमिलनाडु में दो उस टाइम पे एक तरीके से कह सकते हैं वंश जो है वो रूल कर रहे थे, एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, एक तो चोला और दूसरी थी पांड्यास। तो इन्हीं के अंतर्गत में जब ये दोनों वंश रूल कर रहे थे तो इन्हीं के अंतर्गत में लोगों का जीवन कैसा था तमिलनाडु में वो जानते हैं दोस्तों। मोस्ट पीपल लिव्ड, आप पहले देख लीजिए लोकेशन आपको समझ आ जाएगा, पहले मैं दिखाई देता हूँ, ये रहा दोस्तों चोलास और नीचे है पांड्यास, तो पांड्यास जो है सबसे नीचे है, चोलास उसके ऊपर है, तो ये सारा का सारा जो इलाका है तमिलनाडु का है। तो दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे जीते थे गांव में कहाँ पे, यही पांड्या और चोलास के अंतर्गत में, वो ज्यादातर क्या थे, फार्मिंग का काम करते थे यानी फार्मर्स थे, ठीक है, जो भी चोलास और पांड्यास के अंतर्गत में लोग थे वो ज्यादातर फार्मर्स थे और लार्ज लैंड ओनर वर नोन एज वेलास। तो जो किसान, जिन किसानों के पास बहुत बड़े बड़े लैंड होते थे उनको क्या बुलाया जाता था, वेला लार। याद रखिये वेला लार किसने बुलाया जाता था, लार्ज लैंड ओनर, ठीक है। वही जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे, जो आम जुताई करते थे किसान, उनको कहा जाता था उजावार, मतलब इनके पास ज्यादा खेत नहीं होते थे, ज्यादा जमीन नहीं होती थी और छोटा मोटा किसानी कर लेते थे, तो इनको क्या कहा जाता था दोस्तों, उजावार। तो उजावार समझ में आया, जिन किसानों के पास कम जमीन थी और ऑर्डिनरी तरीके से खेती करते थे उन्हें उजावार कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों लैंडलेस लेबरर भी होते थे, मतलब इनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, सिर्फ खेतों में लेबरिंग का काम करते थे, जैसे कि स्लेव्स हो गया, मतलब उस टाइम पे गुलाम हो गया, इनको कहा जाता था दोस्तों कदी सियार और अधिमियाई। अधिमियाई किसको, स्लेव्स को, ठीक है, और लेबरर को क्या, कदी सियार। समझ में आया दोस्तों, लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदी सियार एंड अधिमियाई, ठीक है, समझ में आया दोस्तों, फिर से बोल देता हूँ, लैंडलेस लेबरर को कदी सियार और स्लेव्स को क्या कहा जाता था, अधिमियाई। टाउन्स वर नियर कोस्ट, ये तो मैंने बता दिया, पांड्यास और चोलास के अंतर्गत जो भी टाउन्स होते थे इन लोगों ने जो भी शहर बता सकते थे, क्योंकि भाई इनका रूल ही कहाँ हो रहा है, साउथ में पानी के पास, यहाँ हिंद महासागर के पास, तो जो भी इन्होंने शहर बसाए वो ज्यादातर किसके पास थे, कोस्टल इलाके पास, ठीक है, कोस्टल इलाके के पास थे यानी समुद्र के किनारे थे दोस्तों। ट्रेड वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना, और ये जो पांड्या और चोला के अंतर्गत में जितने भी टाउन्स और विलेजेस थे ये लोग व्यापार करते थे किसके साथ, रोम के साथ और चाइना के साथ व्यापार करते थे पांड्यास और चोलास के, चोला वंश। पीपल लाइक्ड अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है ये गाना बजाना, ठीक है, ये सब कुछ, तो यहाँ के लोग जो थे अम्यूजमेंट गाना बजाना बहुत पसंद करते थे, गेम्स बहुत पसंद करते थे, इसके अलावा जुआ भी खेलते थे, गैम्बलिंग भी करते दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जुआ भी खेलते थे। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय किंग, और दोस्तों जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उस पे सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन होता था, राजा, और राजा के नीचे इनके मंत्री वगैरह आते थे, तो ये इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका था, ठीक है। देयर वाज इवन अ जनरल असेंबली नोन एज सभा, तो इन लोगों ने एक जनरल असेंबली बना रखी थी जिसको क्या बुलाते थे, सभा बुलाते थे। जनरल असेंबली में ज्यादातर मिनिस्टर वगैरह यानी जो भी इनके मिनिस्टर होते थे वो बैठते होंगे और जो आम लोग भी थोड़े बहुत बैठते होंगे। इसके अलावा इनके दोस्तों एक मशहूर भगवान थे, पांड्यास और चोला के मशहूर भगवान हैं, एक्चुअली थे नहीं, अब थे तो हम क्या ही होंगे दोस्तों, इनके जो मशहूर भगवान है उनको मुर्गन बुलाया जाता है दोस्तों, क्या, मुर्गन। अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो नॉर्थ इंडिया में इनको बुलाया जाता है कार्तिकेय, कार्तिकेय। आपको पता है मुर्गन जो है शिव भगवान के दूसरे पुत्र थे और एक पुत्र का क्या नाम है, एक तो गणेश है और दूसरे है मुर्गन। तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया में मुर्गन देवता की बहुत ज्यादा पूजा करी जाती थी दोस्तों, ठीक है। चोला किंगडम वॉज सिचुएटेड बिटवीन द पेन्नार एंड द वेलोर रिवर्स, तो जो चोला किंगडम है, चोला जो साम्राज्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, जो चोला साम्राज्य है वो कौन कौन से रिवर के बीच में सिचुएटेड है दोस्तों, एक तो पेन्नार रिवर यहीं पे बहती है और एक वेलोर रिवर भी यहाँ पे बहती है। एंड इट्स सेंटर ऑफ पावर वॉज ओरियार, अ फेमस कॉटन सेंटर, और चोला का जो एक तरीके का कहें केंद्र या कहें राजधानी जो था वो क्या था दोस्तों, उरियार था। ये एक फेमस सेंटर था किसका, कॉटन का भी, तो उरियार में ही बैठकर चोला जो किंगडम था वो अपना साम्राज्य चलाता था। जो दूसरा किंगडम है दोस्तों, जो दूसरा साम्राज्य है जिसका नाम है पांड्या, पांड्या इसकी जो कैपिटल थी इसका नाम था क्या, मदुरई। समझ में आया दोस्तों, चोला की जो कैपिटल थी उरियार और पांड्या की जो थी मदुरई, मदुरई फेमस है दोस्तों टेम्पल्स के लिए भी अपने।
वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पियर्स। तो यहाँ पे दोस्तों मदुरई में मोती भी बहुत ज्यादा उत्पादन होते थे, मोतियों का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। इट इज मेंशन्ड बाय द मेगास्थनीज एंड संगम लिटरेचर। तो दोस्तों ये हमें कैसे पता चलता है कि मदुरई में बहुत ज्यादा पियर्स मोती वगैरह होते थे? जो मेगास्थनीज था, मैंने बताया था ना मौर्य साम्राज्य में ग्रीक का जो एक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, बुक का नाम इंडिका, इंडिका नामक बुक लिखी थी। तो उसी बुक में से हमें पता चलता है कि मदुरई में बहुत ज्यादा मोती होते थे। और ठीक है, इसके अलावा जो संगम लिटरेचर होती थी, यहाँ पे संगम जो लिटरेचर होती थी उससे भी हमें बहुत पता चला है किसके बारे में, मदुरई और इन चोला साम्राज्य के बारे में पता चला है। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।